अर्दिल अजीज, युवा लीडर जमयान सिंह नवजल साहब, बाकी मेहमान अजीज हूँ मैं, रसूल खानी ब्लॉक मैंडर प्रेजिडेंट साहिबान, जनरल सेक्रेटरी अदिम साहब, बाकी थर्मा सुनसे इगस खानी काका फोन गामा, अस्सलाम वालेकुम जुले। हमें एक दुखी बात यह है सर कि दो दिन से एक सोशल मीडिया पे एक थोड़ा ये वीडियो भी वायरल हो रहा है, तो ये मैं पहले इस बात को उठाना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि एनसीईआरटी वालों ने की किताब में हमारे रहबर है कबीर लेट हज़रत आयतुल्लाह खोमेनी रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की है, तो मैं पूरा हमारे कच्चे इलाके की भारत जनता पार्टी की तरफ से सख्त तरीन अल्फाज से इसका मजम्मत करते हैं, सख्त तरीन मजम्मत करते हैं कि ऐसे अल्फाज जो किस कैसे इसमें इन लोगों ने प्रिंट किया हमें मालूम नहीं, तो हमारे दिलों पे बहुत बड़ा ठेस पहुँचा है। तो मैं लद्दाख के यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त तरीन एक्शन ले। इसी के साथ साथ मैं अपना अर्दिल अजीज जमयान सिंह नवजल साहब का वेलकम करते हैं, और बात को मैं थोड़ा आगे पीछे लेना चाहता हूँ कि 2019 में हमने खुद ब खुद हम लोगों ने कि हमारा जो वोटर्स लोगों ने हमें बीजेपी को हमने वोट नहीं दिया था, हमने उस वक्त हम लोगों ने कर्बलाई साहब को वोट दिया। चलते चलते आया कि अचानक एक हमारा गरीब बंदा था, उसका एक बहुत सर्जरी होना, उसको बीमार था, उसका सर्जरी के लिए बहुत जरूरी था। मैं हर लीडर के पास मैं घूमा, हर कारगिल के लीडर के पास गया उसके सिफारिश के साथ। टाल माटोल करते करते मैं एक दिन सोचा कि जनरल सिंह नवजल साहब के पास जाऊँ, तो इनसे मिला, तो कभी नहीं पूछा किस पार्टी का है, कि एनसी का है, कि कांग्रेस का है, बीजेपी का है। उस वक्त हमने वोट दिया ही नहीं था, इन लोगों ने हमारा भरपूर मदद किया, भर्ती किया, और छोटे छोटे ये था मुद्दे, इन लोगों ने वो सब कुछ उन मुद्दों पे, छोटे छोटे मुद्दों पे काम किया, हमारी जवानों का दिल जीता। तो हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसा लीडर है जो काम करने के काबिल है। फिर इसी के साथ हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। ज्वाइन करते ही हमें यह इल्ज़ाम दिया कि भाई इन लोग करप्शन में डूबा है, ये लोग जब खतरा हो जाते हैं तो सीधा बीजेपी में ये लोग जम मारते हैं। हमारा हम लोग सबसे पहले तो हम ना बीजेपी से डरते हैं, ना हम कांग्रेस से, किसी से हम डरते हैं तो ऊपर वाले से डरते हैं हम, और जो ऊपर वाले से डरते वो कभी करप्शन कहीं करता ही नहीं है। फिर इसके बाद हम लोगों ने जब काउंसिल का मैंडेट ले लिया, उस वक्त हमें बोला कि बीजेपी वाले पैसे गिन के नहीं, पैसे तोल के दे रहे हैं बोला। तो बाकी हमारे जेटीएन साहब को पता है, प्रेसिडेंट साहब से हमने टोटली हमने मैंडेट लिया ही नहीं था। क्यों? ये सारा रीजन बताने का मकसद आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसे युवा लीडर इन्हीं को देख के हम लोगों ने हम ऐसे पैसे वैसा हमने लिया ही नहीं, क्योंकि हमें पैसा कुछ सब चीज नहीं है, ऐसे लीडर होना चाहिए हमारे पास। हमें ये सब डरने के हमारे बाद में हमारे पास ऐसे ईमानदार लीडर होना चाहिए, तब जाके हमारा फॉर्म आगे बढ़ सकता है। तो मैं आपका वक्त ज्यादा ना लेते हैं, इतना कहता हूँ कि बाकी हम जहां तक जेटीएन साहब के साथ है, अगर जेटीएन साहब का ये इश्यूज हाई लेवल तक अगर नहीं उठाते हैं तो हम इस पार्टी में से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। मैं बहैसियत वाइस प्रेसिडेंट के जी बुला, मैं अपने कारकुनों के साथ यही आज इधर कहने के लिए आया हूँ, अगर हमारे युवा लीडर को कॉन्फ्रेंस में न ले कोई बड़े बड़े जो अपने हिसाब से काम करेंगे, तो हमें ये मंजूर
नहीं है, आप आजाद पे भी खड़ा हो जाएगा तो हम आपके साथ हैं। तो मैं हाईकमान से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारा जो पेट लगा के कुछ साल हो गया, अब फल देने के लिए तैयार है। अब जब फल खाने के लिए तैयार होगा तो रूट सही करके फैल रहा है, फिर और पौधा लगाएंगे, फिर और लैब हो जाएंगे, फिर फल खाएंगे, तब तक हमारा सिस्टम हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारा हाई कमांड हाई लेवल तक की आप अगर हमारे बात को सुन रहे हैं, तो ऐसे युवा लीडरों को जिन्होंने रात दिन एक करके अपने खाने वालों का पता लिए, खून पसीना एक करके जब ये भारतीय जनता पार्टी को इस लेवल तक खड़ा किया, तो आज ये शाइस्ता तो नहीं है कि इसके साथ ऐसे करें, कॉन्फिडेंस में ले लें, इनसे बात करें, तो हम सब मिल के इसमें से हल निकालें। तो ऐसे जो फैसला लिया, हमें ऐसे फैसलों से हमें बहुत नाराजगी, हम चाहते हैं तो आप लोगों का वक्त न लेते हुए आप लोगों से रुख्सत होना चाहता हूँ।